ईसा मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे मानव स्वभाव हमेशा बदलते रहते हैं और हम कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, पर हमेशा जिस चीजों के लिए इंतजार करते हैं जो अपने पास नहीं है, और हम ईश्वर को महिमा देने के लिए कभी नहीं कोशिश करते हैं। और यहाँ आज माँ कलीसिया हमारे मानव चिंतन के लिए यह आह्वान देता है कि हम हमारे जीवन में ईश्वर को और ईश्वरी आज्ञा को पालन करने हैं और सभी कार्यों में विशुद्ध रहना है। आज के पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ में हम मानव जाति की एक इच्छा और उनकी एक दुर्मोह के बारे में देख सकते हैं। यहाँ मानव लोग ईश्वर को भूलकर अपने आप को ईश्वर मानते थे और ईश्वर जैसे बनने के लिए कोशिश की। ईश्वर के पास पहुंचाने के लिए बाबेल नगर के लोग सिर्फ उनके शक्ति और योगदान में निर्भर रहते हैं। जब वे बाबेल के बिना रहने शुरू किए, उन लोग ईश्वर को भूलकर ईश्वर के आगे बढ़ने के लिए कोशिश की, परंतु ईश्वर उनका मेहनत और परिश्रम विफल कर दिया और उनका भाषा में ऐसी उलझन पैदा किया कि वे एक दूसरे को ना समझ सके। आज के दूसरे पार्ट योशुआ के ग्रंथ में आचन नाम के एक मनुष्य को और उनके परिवार के हालत के बारे में आप देख सकते हैं। आचन अपने इच्छा अनुसार ईश्वर की आज्ञाओं को भूलकर एक जिंदगी जिया। दोस्तों, हमें भी आज्ञाओं दिया गया है। कभी कभी हम इस दुनिया के चीजों के लिए चीजों की ओर जाता है और इस दुनिया और इसकी चीजों हमारी जिंदगी के लिए, लेकिन हमें यह याद रखना है हम उसके गुलाम बनना नहीं चाहते। इस दुनिया का मोह हमें ईश्वर से अलग कर सकता है, जैसे आचार की जिंदगी में। रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस हमें अच्छे कार्य करने के लिए याद दिलाता है। हमें मालूम है कि आत्मा के काम और शरीर के कर्म ये दोनों अपने अंतिम निर्णय के कारण मिलते हैं। हमारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल मिलते हैं और बुरे कर्मों की शिक्षा। इसलिए संत पौलुस हमें अच्छे कर्मों की आवश्यकता के बारे में आज बताता है। संत मत्ती के अनुसार समाचार में हम देखते हैं कि अगर हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध या विपरीत चलेंगे तो ईश्वर इसके हिसाब से हमें उत्तर देगा। दाखवारी के मालिक ने अपनी तरफ से दाखवारी को अच्छे बनते हैं और बाहरी शत्रुओं से रक्षा करते थे, और वे पूरी हृदय से इस दाखवारी को लोगों के हाथ में सौंपते हैं जिससे वे इसे अच्छी तरह देखभाल करें। लेकिन दोस्तों, आखिर उन असमयों को क्या हुआ? उस मालिक ने उन दुष्ट असमयों को सर्वनाश किया और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे असमयों को दिया। प्यारे दोस्तों, हम उस स्वर्गीय मालिक के सेवक हैं जो हमसे अच्छा फसल हिस्सा मांगते हैं। इस संसार ईश्वर की दाखबारी है जो हमें आसादी के साथ उसमें काम करने के लिए दिए हैं। ईश्वर हमसे हमेशा अच्छे फसल मांगते हैं, इसलिए हम अच्छे कर्मों द्वारा ईश्वर के लिए अच्छे फसल इकट करने के लिए कोशिश करें। हम अपने कर्म के लिए जिम्मेदारी है। ईश्वर ने हम सबको एक एक वरदान दिया है जिसके द्वारा हम ईश्वर की महिमा दे सकें, लेकिन हम कभी कभी इस जिम्मेदारी में असफल हो जाते हैं। और हम याद रखना है, जब हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कुछ सोचते हो और करते हो तब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं और यह हमारे नाश के कारण बन जाता है। प्यारे दोस्तों, अच्छे और बुरे कर्मों को हमें पहचानना है। हम हमारे अच्छे कार्यों का द्वारा ईश्वर की महिमा देना है। चाहे छोटे या बड़े, इस उपवास काल में हम अपने जीवन में
सभी कार्यों में विशिष्ट रहना है और दूसरों के प्रति अच्छे कार्य करके ईश्वर की महिमा देना है। इसके लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। Here, reflect and be enlightened.